अस्सलामुअलैकुम। हम इस वीडियो में फेट्स ऑफ पाइरोवेट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास थ्री कैटाबॉलिक फेट्स ऑफ पाइरोवेट हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि जो हमारे पास पाइरोवेट है ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के एंड पे हमारे पास टू पाइरोवेट्स बनते हैं। और पाइरोवेट्स जो से हैं वो हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, पाइरोवेट्स में ही स्टोर होती है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में NADH हमारे पास जनरेट हुआ था। अब हमने NADH से NAD बनाना है दोबारा। तो अब पाइरोवेट्स के हमारे पास क्या है, तीन फेट्स हैं, या तो एरोबिक कंडीशन होगी हमारे पास या फिर एनएरोबिक कंडीशन होगी। एरोबिक कंडीशन होगी तो हमारे पास जो सा है पाइरोवेट वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम A से आगे क्रेब्स साइकिल बनेगा और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ये कम्प्लीट मैकेनिज्म होगा। इसमें जो पाइरोवेट के अंदर फुल एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। फिर एक तो ये हो गई हमारे पास फेट। फिर दूसरा हमारे पास एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन का हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की जो से है ऑक्सीजन लो होती है, इसको हाइपोक्सिया भी बोलते हैं इस कंडीशन को। उसके अंदर या तो होगा कि वो किसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि वो अल्कोहल में, मतलब कि एथानोल में कोई भी अल्कोहल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो तीन फेट्स हैं हमारे पास कि या तो वो पाइरोवेट एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एनएरोबिक कंडीशन के अंदर पहला कि वो उसके फर्मेंटेशन के ज़रिए लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर फर्मेंटेशन के ज़रिए एथेनॉल बन जाए उसकी। फिर है हमारे पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का है कि द प्रोसेस दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी बट डू नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन और चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ NAD और NADH। इसमें यही कि अब एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है सिस्टम की, लेकिन ऑक्सीजन की कंजप्शन नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की कंजप्शन नहीं हो रही है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट है चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ NAD और NADH, मतलब कि कंसंट्रेशन के अंदर चेंज नहीं आ रहा। हम प्रोसेस में मे बी NADO और NADH यूज़ करें, लेकिन फिर हम उसको रीजनरेट या रिसाइकल कर लेते हैं, तो इस वजह से उसका फिर हम टोटल कहते हैं कि टोटल उसके कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जितना NAD और NADH को हमने यूज़ किया वही दोबारा हमने उसको रिसाइकल और रीजनरेट भी कर लिया। इसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स है फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एथेनॉल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि पाइरोवेट जो सा है वो NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और NADH को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और ख़ुद जो सा है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि उसने, पाइरोवेट ने NADH से इलेक्ट्रॉन लिए, खुद लैक्टेट में रिड्यूस हो गया और NAD पॉजिटिव को जनरेट कर दिया, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसके बाद है इथेनॉल और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसके अंदर जो सा है पाइरोवेट जो सा हमारा है वो एथेनॉल में कैटाबोलाइज हो जाता है। ये बेसिक ओवरव्यू था फर्मेंटेशन का। फिर हमारे पास तीन जो सी हैं नोटवर्थी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो सबसे पहले है कि डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोज टू यील्ड पाइरोवेट, कि हमारे पास जो ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो पाइरोवेट के मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास 2 पाइरोवेट बनते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिनके पास 3 कार्बन होते हैं। और फिर सेकेंड है हमारे पास फास्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP बाई कंपाउंड विद हाई फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। पहला प्रोसेस है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, और सेकंड है हमारे पास के ADP का ATP में कन्वर्ट होना, और थर्ड है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन टू NAD पॉजिटिव फॉर्मिंग NADH, मतलब कि NAD पॉजिटिव का NADH में कन्वर्ट होना। ये तीन उनसी चेंजेस हैं हमारे पास आती हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। फिर है ATP एंड NADH फार्मेशन कपल टू ग्लाइकोलाइसिस। तो नीचे ग्लाइकोलाइसिस का हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन दिया गया है, जिसके अंदर ग्लूकोज, NADH और ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो उनसे हैं ये मिलके हमारे पास पाइरोवेट, NADH और ATP बना रहे हैं। मेनली ये चीज़ें बन रही हैं, साथ में हमारे पास हाइड्राइड आयन और वाटर भी बन रहा है, लेकिन मेजर में हमारे पास क्या है कि पाइरोवेट, NADH और ATP ही बनती है। अब रिएक्शन के नीचे ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसके अंदर बताया हुआ है कि NAD जो सा है इसकी रिडक्शन कैसे होती है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन के अंदर जो बन रहा होता है, उसके एल्डिहाइड ग्रुप से हमारे पास हाइड्राइड जो आयन है वो चला
जाता है एनएडी पॉजिटिव का जो निकोटिनामाइड रिंग है उसके पास, और फिर एनएडीएच बन जाता है। सिंपल जे के ग्लाइसरलडिहाइड 3 फास्फेट का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ से हाइड्राइडाइन एनएडी पॉजिटिव के निकोटिनामाइड रिंग के पास जाएगा और एनएडीएच बन जाएगा। नेक्स्ट हमने जो ग्लाइकोलाइसिस की इक्वेशन थी उसको दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। पहला जो सा हमारे पास प्रोसेस है उसके अंदर है कि ग्लूकोज जो सा है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जो सा एक और प्रोसेस है हमारे पास सेकंड प्रोसेस, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। पीआई जो सा है इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी बनाई। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस था वो इन दो प्रोसेस के अंदर क्या डिवाइड हो गया। अब पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट। अब ग्लूकोज जो सा पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ये एक्सर्गोनिक है, इसके अंदर क्या है हीट इवॉल्व हो रही है। डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव है, डेल्टा जी जो सा है फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू हमारे पास -146 किलो जौल पर मोल आ रही है। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास जो सा है वो फॉर्मेशन का है, उसके अंदर क्या है कि दो जैसे चीज़ें मिलके हमारे पास एक चीज़ बना रही है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से हमारे पास एटीपी बन रही है। तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक मीन्स कि इसके अंदर हीट जो सी हमें देनी पड़ेगी, हीट अब्जॉर्ब होगी, हीट की जो सी वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास 61 किलो जौल पर मोल आ रही है जो कि पॉजिटिव में आ रही है। ये रिप्रेजेंट करिए कि ये प्रोसेस जो सा है ये एंडरगोनिक है। फिर नेक्स्ट है कि हम ओवरऑल जो सी है डेल्टा जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पीछे जो दो प्रोसेस किए उन दोनों की जो जी की वैल्यूज़ आई थी हम उनको ऐड करेंगे आपस में, तो हमारे पास फिर ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ओवरऑल हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू उन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने से माइनस में आ रही है, -85 किलो जौल पर मोल। तो ये जो सा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड कंडीशन या फिर सेलुलर कंडीशंस के अंडर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ये नहीं हो सकता कि हम दो पाइरूवेट्स के मालिक उसको इकट्ठा करें, उनको रिएक्ट कराएं तो हमारे पास दोबारा ग्लूकोज बन जाए। अब ग्लूकोनियोजेंसिस ये चीज़ है लेकिन वो ऐसा नहीं होता। ग्लूकोनियोजेंसिस में यही होता है कि हम मतलब दोबारा ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात नहीं होता कि हम पाइरूवेट को इकट्ठे करें और इससे दोबारा ग्लूकोज बन जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी रिमेनिंग इन पाइरूवेट, के जो पाइरूवेट के अंदर एनर्जी स्टोर है हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पाइरूवेट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के दो प्रोसेस हैं, या तो एरोबिक प्रोसेस हो हमारे पास या फिर एनएरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस में हमें पता है हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ऑक्सीजन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं जिसमें पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होकर फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है। तो ये दोनों जो से प्रोसेस हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, हम इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस में क्या है कि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होती तो हमारा जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद है कि जो हमारे पास पाइरूवेट है ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है। ये जो है एलानिन सिंथेसिस और फैटी एसिड सिंथेसिस के तौर में ये जो सा है बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, मेन बेस के तौर पे काम करता है पाइरूवेट जो है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस में भी आ जाता है कि पाइरूवेट सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता कि इसकी ब्रेकडाउन हो और इससे एनर्जी रिलीज हो, बल्कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर भी यूज़ हो सकता है। एनाबॉलिक प्रोसेस यही कि इससे मतलब नेक्स्ट एलानिन बने हमारे पास, एलानिन सिंथेसिस हो जाए या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास पता है 9 है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो हमारे पास इस तरह 9 इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और वो जो उनसे 9 इंटरमीडिएट्स हैं वो सब के सब क्या हैं फास्फोराइलेटेड हैं। अब वो फास्फोराइलेटेड हैं तो उनके साथ फास्फोराइल ग्रुप अटैच है, तो उस ग्रुप का फंक्शन क्या है, या फिर वो सारे के सारे इंटरमीडिएट्स फास्फोराइलेटेड क्यों हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे पास कि प्रिवेंट ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स फ्रॉम लीविंग द सेल, मतलब जो इंटरमीडिएट्स हैं वो सेल
बाहर ना जाएं। इसके बाद सेकंड है हमारे पास, इट सर्व एज एसेंशियल कंपोनेंट इन एंजाइमेटिक कंजर्वेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसमें है कि जैसे हमारे इंटरमीडिएट्स हैं उनके साथ फास्फोराइल ग्रुप इसलिए अटैच होते हैं कि जो ग्लूकोज की एनर्जी है वो सारी की सारी इन इंटरमीडिएट्स के अंदर स्टोर रहे और एंड पे हमारे पास एक हाई एनर्जी प्रोडक्ट हमें हासिल हो। इसीलिए हम कहते हैं ना कि पाइरूवेट हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस वजह से क्योंकि उसके साथ फास्फोराइल ग्रुप जो उनसे हैं वो अटैच होते हैं इंटरमीडिएट्स के साथ और सारी की सारी एनर्जी जो उनसे है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी लूज़ नहीं होती या वेस्ट नहीं होती। इस तरह हमें एंड पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है जिससे हम काम अगर कर रहे हों तो हम इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास, इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ये जो उनसे फास्फोराइल ग्रुप हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देते हैं। एंजाइम्स का तो हमें पहले ही पता ना कि मतलब एंजाइम्स जो उनसे वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, लेकिन अगर हमारे इंटरमीडिएट्स के साथ फास्फोराइल ग्रुप अटैच हों तो इनकी जिनसे बाइंडिंग है वो और ज़्यादा ईजीली हो जाती है और एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है।